पानी डालते ही देगा नया जीवन। देखिए कैसे नया जीवन देगा, जब एक पौधे का जीवन सूख जाता है, मुरझा जाता है, गर्मी की वजह से या फिर ज़्यादा पानी देने की वजह से। जैसे कि हमारा ये देखिए, एक जो फैंसी पौधा होता है जो कि डेकोरेशन के लिए होता है, इंडोर प्लांट होता है, ये बिल्कुल सूख चुका है। अब इस ये काला पानी कैसे इसका जीवन देगा, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये काला पानी हम देखिए इसमें डालते हैं, ये 10 दिन पहले मैंने एक वृक्ष की टहनी लगाई थी और ये देखिए इसमें ये काला पानी और 4 चीज़ें ऐसी डालते हैं और ये देखिए फूट के निकला हुआ है और नया पेड़ बनने के लिए तैयार हो रहा है। इसकी नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। ये काला पानी 4 चम्मच डालता हूँ एक पौधे में, उसकी जड़ में जाना चाहिए ये काला पानी। और ये देखिए दूसरा पौधा अभी लगाया है 5 से 7 दिन पहले, अभी इसको भी खिला दिया है इसने। ऐसी कितनी ताकत है इस काले पानी में। ये काला पानी बनता कैसे है, ये काला पानी आपको बना के दिखाएंगे। उससे पहले देखिए आपको मैं दिखाता हूँ वो 4 चीज़ें खास जो मैं डालता हूँ अपने गमले में, जिस वजह से ये बहुत ही हरे भरे रहते हैं। आप अपनी सब्जी की कैरी में या फ्लावर्स की कैरी में या फिर गार्डन में बगीचे में इसको डाल सकते हैं। ये देखिए 4 चम्मच इसमें डस्ट के डालने हैं, जो कि डस्ट इसलिए ज़रूरी है, अगर आपकी मिट्टी रेतली नहीं है, चिकनी है बहुत ही ज़्यादा, तो उसमें जड़ें खुल के नहीं फैलेंगी। इसमें थोड़ी सी डस्ट डालनी बहुत ही ज़रूरी होती है उनको बराबर मात्रा में पोषण मिलने के लिए। उसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है थोड़ी सी डस्ट, यानी कि जो कोरसेंट होता है घर बनाने में काम आती है, वो हमने इसमें डाल लेनी है 4 से 6 चम्मच। और ये महीने में 1-2 बारी करते रहना है, जिससे आपका पौधा हरा भरा रहेगा। और ये देखिए मेरे हाथ में है वाइट चूना, इसके भी आपने 2 से 3 चम्मच एक बड़े गमले में डालने हैं। अगर छोटा गमला है तो 1 ही चम्मच बहुत होता है, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर होता है। अब ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया ये वाइट चूना। अब इसमें डालता हूँ काला पानी। ये काला पानी ही बहुत ही बेहतर है, ये देखिए देखने में बिल्कुल रसीला लग रहा है। और ये इसकी जड़ों में डाल देता हूँ 4 से 6 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना होता है, क्योंकि ये आपकी और ऑर्गेनिक है सबसे बड़ी बात, ये प्राकृतिक है, कोई केमिकल इसमें नहीं है, ये घर पे ही बनाया हुआ है, रसोई में बन जाता है। अब देखिए मैंने डाल दिया 4 से 6 चम्मच। अब इसको देखिए ये सूख गया है पौधा, इसको हमें डाइट देने वाला हूँ यही वाली। और इसको सबसे पहले इस तरह से हमने गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद इसमें हवा जाने का रास्ता हो जाता है, इसकी जड़ों को एयर मिलेगी, तो आपका सूखा हुआ पौधा भी वापसी रिकवरी कर सकता है, अगर उसमें बराबर मात्रा में ये 4-5 चीज़ें डाल दी जाएं। देखिए इसको गुड़ाई करके अब इसमें मैं थोड़ा सा ये पोस्ट इसकी जड़ों को ताकत देने के लिए ये थोड़ा सा काला पानी डाल देंगे और इसमें सेम चीज़ें ये डाल देंगे। अब ये देखिए काला पानी बनाया कैसे है। ये काला पानी आपकी घर की रसोई में छिल्लक, सब्जी के केलों के छिल्लक, तरह तरह के छिल्लक हमने इकट्ठे किए और उनको उठा के एक बाल्टी में बंद कर लिया। बाल्टी में बंद करके हमने 2 से 3 महीना उसको रखा, गला के सड़ा के, और उसको उसके बाद देखिए ये फाइनली बना है, इतना अच्छा लिक्विड बना है, कंपोस्ट खाद बना है, यानी कि देसी खाद। ये देखिए बिल्कुल कॉफ़ी की तरह दिखाई देता है, लेकिन ये बिल्कुल पत्तों का है, रस है जो गल सड़ के बना है, आपके पौधों के लिए जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि आपके पौधे भी हरे भरे रह सकें और इनका जीवन बच सके, ताकि इनका जीवन है तभी हमारा और आपका जीवन है। इसलिए इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि इन पौधों का जीवन बच सके और हमारा भी जीवन सुरक्षित रह सके। थैंक यू।